my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts with my gang. Give me just a stank. Cover on my chain. हेलो गाइस, की हालत वाड़ा। आज की इस वीडियो में पर्दाफाश होगा एक ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर का जो पिछले कई सौ सालों से लोगों से अपनी असलियत छुपा रही थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। वैसे तो नॉर्मल वीडियोस में डिस्क्लेमर ऐड नहीं करती क्योंकि इनकी आवाम बहुत ही ज्यादा है और वो मुझे गालियां भी निकाल सकते हैं और बुरे बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर ऐड करना जरूर चाहूंगी। वीडियो को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा यूं यूं किया तो तुनी में मुक्का मार दूंगी, तो फिर ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर सना से रुजू करे। शुक्रिया। आज से 200 साल पहले की बात है, मेरा मतलब है 2 साल पहले की बात है कि आपकी जानी मानी पहचाने यूट्यूब पे चुल मचाती सना बकेट ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के शाने यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया था। इनका कहना था कि ये शाने यूट्यूबर्स इलम लांति के लिए काम करते हैं जबकि खुद इन्होंने अपनी सच्चाई छुपाई। जी हाँ, वो सच्चाई जिसको छुपाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। माफ करना, मेरा मतलब है हिरचू टीम ने इस बात का पता लगा लिया। ये तस्वीर सना ने 3 नवंबर 1947 में पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था आई कैन नॉट ड्रा द अदर आई और साथ ही आंख वाला इमोजी। लोगों को इन पर शक ना हो और ये पकड़ी ना जाए तो इन्होंने साथ ही लिख दिया बट आई कैन अप्लाई परफेक्ट आईलाइनर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ आईज की जगह साइड्स लिखकर और तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख की तस्वीर से साबित होता है कि सना इल्यूमिनाटी कंफर्म है। लोगों से अपनी सच्चाई छुपाने के लिए 7 नवंबर 1999 को इन्होंने लोगों की तवज्जो दूसरे यूट्यूबर्स की तरफ कर दी। अभी और सुनिए। ताकि इनके ऊपर कोई भी शक ना कर सके, सना ने यूट्यूब शुरू करने से पहले ही इलम लांति के प्रूफ देना शुरू कर दिए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये तस्वीर एक नॉर्मल सी रिंग की है जो कि सना के दिल के बहुत ही अतः गहराइयों के करीब है। इस तस्वीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 ट्राइंगल्स हैं और ये गोल सर्कल आंख को रिप्रेजेंट करता है जिससे साफ जाहिर होता है कि सना इलम लांति से ताल्लुक रखती है। और तो और सबसे बड़ी बात, सना के लिए इंस्टा पे अवाम का ज्यादा ना होना दुश्वारी पैदा कर रहा था, तो इन्होंने 1859 में अपनी पहली और दूसरी वीडियो अपलोड की। उसमें भी एक आंख की तस्वीर थंबनेल में डाल दी। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई से ताल्लुक है इनका इलम लांति के साथ। वक्त गुजरता चला गया, लोगों को शक न हुआ। फिर सना जी ने पोस्ट की एक ऐसी पिचकर जिसको देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। ये वो पिचकर है जो सना जी ने अपने वेलेपन में बनाई, लेकिन इस तस्वीर में आंखों पे गौर मत कीजिए बल्कि इन छोटे छोटे ट्राई एंगल्स पे ध्यान दें। बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने के बावजूद भी ये इल्यूमिनाटी को छुपा ना सकी। अब मैं आप लोगों को सबसे छोटी एग्जांपल देना चाहूंगी। सना ने अपने चैनल का नाम सना बकेट ही आखिर क्यों रखा? आखिर क्या वजह थी कि बकेट नाम रखना जरूरी पड़ गया? सना का डोंगा भी हो सकता था, सना के चाय वाला चम्मच भी हो सकता था और सना के दही वाला चम्मच भी हो सकता था। आखिरकार ये बकेट ही क्यों रखा गया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बकेट का मतलब होता है बाल्टी और बाल्टी के अंदर हम क्या डालते हैं? पानी। पानी ऑपोजिट है आग का और आग से हुआ है शैतान पैदा। शैतान ही ने जन्म दिया है इलम लांति को, इसीलिए सना जी इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड है। और तो और सबसे बड़ी और साफ जाहिर होने वाली वजह, आप लोग समझ रहे होंगे ये मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन नहीं, बिल्कुल सही समझ रहे हो वैसे तो, लेकिन नहीं, सना का मतलब है रोशनी। रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से। सूरज की शेप सर्कल में है और सर्कल ट्रायंगल का छछेरा मामूजात भांजा है जिसकी बदौलत सना इल्यूमिनाटी कंफर्म्ड है। सना बकेट ने अपना दूसरा चैनल 1977 को बनाया था जिसकी दूसरी ही वीडियो में सना ने अपने चैनल पर पिज्जा जैसी रेसिपी बनाई जिसकी शेप ट्रायंगल में थी और ट्रायंगल इल्यूमिनाटी की शेप है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी पुरानी बातें हैं, क्या पता ये सच ना हो, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है कि जहां सना लोगों से अपनी सच्चाई छुपा रही थी वहीं पर इन्होंने एक ऐसी स्टोरी लगाई जिसमें साफ जाहिर होता है कि ये हमारी अवाम को सिग्नल देना चाह रही हैं कि ये इल्यूमिनाटी की तरफ से आई हैं और हमें बहकाने की कोशिशों में है। So guys, this
वीडियो वॉज जस्ट फॉर फन, कोई इल्यूमिनाटी कन्फर्म नहीं है, बस वैसे ही शुगर में वीडियो बनाई थी बिकॉज आप लोग चाह रहे थे कि मैं सना बकेट पे रोज बनाऊंगा। अब वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते कि उन पर रोज तो बनाया नहीं जा सकता। मेरा ये आइडिया था कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं बिकॉज सना भी बना चुकी है, तो मैंने कहा क्यों ना सना को भी एक्सपोज किया जाए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट ऑन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, और हाँ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सना तक पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ वहाँ पे भी जाके फॉलो करें, और अगर आप मेरी मर्च खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और देखें और खरीदें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्टिंग है गलत, और सना के दही वाले यार ये क्या है, अच्छा और सूरज की, यार क्या है और सूरज की शेप सर्कल में है, सर्कल ट्रायंगल का छछेरे मामू की यार, और सर्कल ट्रायंगल का छछेरे यार, छछेरे क्यों बोल रही हूँ, 1977 सना बकेट ने अपना दूसरा चैनल I got broads in Atlanta, just to lean the front, credit cards in the